हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं 8th क्लास इंग्लिश चैप्टर द कॉमेट 2 के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट, व्हाई वाज जेम्स डाउटफुल अबाउट हिज सम्स एंड कैलकुलेशंस। एक पल के लिए जेम्स ने यह आश्चर्य किया कि उसने जो गणित लगाई है या कैलकुलेशन लगाई है कॉमेट दत्ता के बारे में, वो सही है या नहीं। जेम्स को अपने कैलकुलेशंस और सम पे डाउट क्यों था? इसका आंसर है, जेम्स रीच्ड हिज होटल एट 1 PM। जेम्स अपने होटल लगभग 1 PM पे पहुंचा। ही लुक्ड अप फ्रॉम हिज विंडो एंड सॉ द स्टार स्टडेड स्काई। उसने विंडो से स्टार स्टडेड स्काई को देखा। इसका मतलब स्काई जो तारों से भरी हुई थी उसको देखा। ही कुडंट बिलीव दैट एनी अनवांटेड इवेंट कुड हैपन ऑन सच ए पीसफुल नाइट। उसको इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि कोई भी नहीं चाहने वाली घटना जो है वो इतनी शानदार पीसफुल नाइट को घट सकती है, क्योंकि आसमान बिल्कुल शांत और साफ उसको दिखाई दे रहा था। ही बिकेम डाउटफुल अबाउट हिज कैलकुलेशन, इसलिए उसको अपनी कैलकुलेशंस पे डाउट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस से अबाउट जेम्स सम्स। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने जेम्स के सम्स और कैलकुलेशंस के बारे में क्या कहा? द साइंटिस्ट अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस केम टू द कंक्लूजन दैट जेम्स फोरसिथ्स कैलकुलेशंस वर करेक्ट। साइंटिस्ट जिन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया वो इस निष्कर्ष पे आए कि जेम्स फोरसिथ के जो कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल सही थे। द न्यू कॉमेट वुड कोलाइड विद द अर्थ, और नया कॉमेट जो है वो अर्थ से कोलाइड करेगा, मतलब टकराएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इमीडिएट एक्शन वॉज नीडेड, द साइंटिस्ट डिसाइडेड गिवन एग्जाम्पल ईच ऑफ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव एक्शन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड किया कि तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेने की आवश्यकता है। आपको एग्जाम्पल देना है एक डिफेंसिव और एक ऑफेंसिव एक्शन का, जो कि हमारी बुक में बताया गया है। डिफेंसिव का मतलब होता है सुरक्षात्मक, ऑफेंसिव का मतलब है आक्रमणकारी। द अप्रोचिंग कॉमेट नीडेड इमीडिएट एक्शन, अर्थ की तरफ जो कॉमेट अप्रोच कर रहा था, नजदीक आ रहा था, उसके लिए इमीडिएट एक्शन की आवश्यकता थी। द साइंटिस्ट हैड टू ऑप्शंस, साइंटिस्ट के पास में दो ऑप्शन थे। द डिफेंसिव मेजर वाज दैट द पीपल शुड लिव इन बंकर्स। डिफेंसिव यानी सुरक्षात्मक मेजर ये था कि लोग जो है बंकर्स में रहने के लिए चले जाने चाहिए। द ऑफेंसिव एक्शन वाज टू डू समथिंग टू डिफ्लेक्ट द कॉमेट फ्रॉम इट्स पाथ। और ऑफेंसिव एक्शन जो कि अटैकिंग एक्शन था वो ये था कि हमें कुछ करना होगा इस कॉमेट को अपने पाथ से डिफ्लेक्ट यानी रास्ते से हटाने के लिए। दिस कुड बी डन बाय एक्सप्लोडिंग ए न्यूक्लियर पेलोड नियर द कॉमेट, और ऐसा किया जा सकता था उस कॉमेट के नजदीक न्यूक्लियर पेलोड को एक्सप्लोड करके। क्वेश्चन नंबर फोर, आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल डिसंबर 15। वॉट डिड सर जॉन मीन बाई दैट? सर जॉन ने ये कहा कि मैं डिसंबर 15 तक कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदने वाला हूँ, इसका क्या मतलब वो बताना चाह रहे हैं। सर जॉन वॉज नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द सेफ्टी ऑफ अर्थ। सर जॉन को अर्थ की जो सेफ्टी के बारे में पूरी तरह विश्वास नहीं था कि अर्थ बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। सो ही डेफर्ड द बाइंग ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट टिल डिसंबर 15। इसलिए उन्होंने क्रिसमस प्रेजेंट को खरीदने का जो निर्णय था उसको डेफर यानी पोस्टपोन कर दिया डिसंबर 15 तक के लिए। बाय दैट टाइम द सिचुएशन वॉज श्योर टू बिकम क्लियर, उस समय तक सिचुएशन जो है काफी क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज दत्ता दा एक्सपेक्टेड टू डू ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंडन? दत्ता दा को लंडन से रिटर्न करने के बाद में क्या करना था? दत्ता दा ऑन द रिटर्न वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक पार्ट इन ए शांति यज्ञ टू पेसिफाई इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट। दत्ता दा को लंदन से रिटर्न होने के बाद में उनके घर पे आयोजित किए जाने वाले शांति यज्ञ में भाग लेना था, जो कि इसलिए आयोजित किया गया था कि इविल स्पिरिट, इस कॉमेट की जो इविल स्पिरिट है, बुरी आत्मा है, उसको पेसिफाई यानी शांत किया जा सके। वॉट इज हिज रिएक्शन टू द प्रपोजल? उनका इस प्रस्ताव पे क्या रिएक्शन था? दत्तादा वॉज वेरी एंग्री, दत्तादा बहुत क्रोधित हुए। ही कॉल्ड इट जस्ट ए सिली सुपरस्टिशन टू थिंक दैट कॉमेट्स हैव इल इफेक्ट्स। उन्होंने इसे केवल एक बेकार अंधविश्वास कहा और ये कहा कि कॉमेट्स का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता है।
व्हाट डज प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर टू? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का क्या मतलब है? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर्स टू द प्लान टू डाइवर्ट द कॉमेट फ्रॉम इट्स पाथ। प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का मतलब है कि उस कॉमेट को अपने रास्ते से अलग करना या दूर करना या डाइवर्ट करना। द प्लान वॉज टू लॉन्च ए स्पेस क्राफ्ट एंड एक्सप्लोर द न्यूक्लियर डिवाइस नियर द कॉमेट। प्लान ये था कि एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा और उस कॉमेट के पास में न्यूक्लियर डिवाइस को एक्सप्लोर किया जाएगा। व्हाट डज सर जॉन से अबाउट द प्रोजेक्ट इन हिज लेटर टू दत्ता इन अक्टूबर? सर जॉन ने दत्ता दा को अक्टूबर में जो लेटर लिखा उसमें प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज बिगन, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। दत्ता दा ने कहा कि लाइट ब्रिगेड का जो चार्ज है वो शुरू हो चुका है, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, अब हम अच्छे परिणाम की उम्मीद करेंगे। डिड सर जॉन बाई क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन डिसम्बर 15? हाउ डिड दत्ता दा गेट टू नो अबाउट इट? क्या सर जॉन ने डिसम्बर 15 को क्रिसमस प्रेजेंट खरीदे और दत्ता दा को इसके बारे में कैसे पता लगा? दत्ता दा गोट टू नो फ्रॉम द लेटर दैट सर जॉन हैड बॉट क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन डिसम्बर 15। सर जॉन ने 15 दिसंबर को क्रिसमस प्रेजेंट खरीदे, इसका पता दत्ता दा को उनके द्वारा लिखे गए लेटर से लगा। इट इंडिकेटेड दैट द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड वॉज सक्सेसफुल, और इसमें ये इंडिकेट किया गया था कि प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड जो है वो सफल रहा। वाई अकॉर्डिंग टू इंद्राणी देवी हैड द कॉमेट नॉट बीन डिजास्ट्रियस? डू यू एग्री विथ हर? इंद्राणी देवी के अनुसार कॉमेट जो है वो विनाशकारी नहीं रहा, क्या आप उनसे सहमत है? इंद्राणी देवी थॉट दैट कॉमेट दत्ता कुड नॉट हार्म द अर्थ बिकॉज ऑफ द यज्ञ परफॉर्म्ड एट देयर हाउस। इंद्राणी देवी ने यह सोचा कि कॉमेट दत्ता ने पृथ्वी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उन्होंने अपने घर में उसके लिए शांति यज्ञ करवाया था। आई डोंट एग्री विद दिस, और मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। इज दत्ता दा जनरल आउटलुक रैशनल मॉरल ट्रेडिशनल? दत्ता दा जो को आउटलुक है, नजरिया है, वो रैशनल यानी तार्किक है, मॉरल यानी नैतिक है, या ट्रेडिशनल यानी परंपरावादी है। चूज द राइट वर्ड, आपको सही वर्ड को चुनना है। से व्हाई यू थिंक इट राइट, और आप इसे सही क्यों समझते हैं? दत्ता दा जनरल आउटलुक इज रैशनल बिकॉज ही हैड अ साइंटिफिक टेम्पर। दत्ता दा को जनरल आउटलुक है, नजरिया है, वो रैशनल है, तार्किक है, क्योंकि उनका एक साइंटिफिक टेम्पर रहा है, उनका वैज्ञानिक दिमाग रहा है। ही वेंट बाई रीजन नॉट बाई कस्टम और मॉरलिटी, और वो हमेशा हर एक बात को रीजन यानी कारण से समझते हैं, ना कि किसी कस्टम और मॉरलिटी। कस्टम का मतलब रीति रिवाज और मॉरलिटी का मतलब नैतिकता के अनुसार। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य चैप्टर्स को देखने के लिए और इसी के साथ साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।